हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज एक न्यू ब्लॉग दे रहे हैं आपको। इसमें हम ये बताएंगे कि रामपुर क्यों जाया जाता है, जाने के बाद कैसे पूजा किया जाता है। और इस वीडियो में एक हमारा मेमोरी है जो कि हम इसमें रखना चाह रहे हैं। हम गए थे अब हस्बैंड जी के साथ पूजा करने के लिए। रीज़न आपको बता दें, शादी के बाद यहाँ पर पूजा किया जाता है हदहदवा भवानी का। यहाँ पर एक माता रानी है जिनका नाम है हदहदवा भवानी, और ये रामपुर में पड़ता है और यूपी बिहार का बॉर्डर है यहाँ पर, तो वहीं पे पड़ता है रामपुर। जहाँ मिल है वहीं उसी के पास ये मंदिर है। तो हम लोग गए थे, हमारी एक छोटी बहन, उनके हस्बैंड और हमारे हस्बैंड, उनके दोनों बच्चे। हमारे बच्चे चले गए थे स्कूल, तो उसके बाद हम गए। यहाँ पर बज रहा है 6:30 और हल्का हल्का धूप भी आ गया है। अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह में हम लोग चले गए थे इसी वजह से, ताकि हम लोगों को भीड़ ना मिले, हम लोग आराम से पूजा करके चले हैं। ये जितना सारा आपको जगह दिख रहा है ये पूरा फूल हो जाता है सावन के महीने में। सावन में बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पर पूजा होता है, लेकिन बाकी महीने में भी यहाँ पर पूजा होता है, लेकिन एक आध लोग अपना जो बाकी रखते हैं फुर्सता से करना चाहते हैं फ्री में, मतलब कि बिना भीड़ के, तो बाकी महीनों में जाके कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बैठ के और बनाए थे पूड़ी, और घर से आया हुआ था फूल, अक्षत, चना, रोड़ी, जितना सारा प्रसाद होता है वो सब पूड़ी के साथ मिठाई रख के चढ़ाया जाता है यहाँ पर। यह यहाँ का मान्यता है, इसमें चना अक्षत भी डाला जाता है, और यहीं पे बना के सब्जी वगैरह ये जो प्रसाद है उसके साथ खाया जाता है। तो यहाँ का मान्यता ऐसा है कि मतलब घर से बना के नहीं, यहीं पे आके बनाया जाता है, और सब्जी वगैरह सब कुछ बनता है। जितने सारे लोग आते हैं उतने सारे लोग यहाँ बैठ के खाना भी खाते हैं, जो प्रसाद चढ़ा हुआ होता है उसी में से। बाकी यहाँ पर घूमते भी हैं, घूमने वाला भी अच्छा जगह है। दो चार मंदिर आगे भी था लेकिन वहाँ पर हम लोग नहीं घूमे, मतलब वीडियो नहीं शूट किए, बस यहीं का कि जो मेन है उसी को शूट किए हैं। और यहाँ पर थोड़ा मेरा चैनल के लेके भी वार्तालाप हुआ, क्योंकि पीछे वाला चैनल भी मेरा नहीं, मैं हम लोग भी हम लोग आदर्श को लेके आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो बबुनिया है मेरी बहन की लड़की, तो ये किसी के पास नहीं जाती है, कभी भी नहीं जाती है, खुद में मगन रहती है, नहीं तो अपने पापा को पकड़ के रखती है या फिर मम्मी को। तो पता नहीं आज कैसे अपने मौसा जी के पास गई है, अच्छा से बात भी कर रही है और खुश भी है। रीज़न तो नहीं पता चल रहा है, शायद मेला घूमने गई है, शायद बड़ी हो रही है इसी वजह से। ये रहा मंदिर जहाँ पर हम लोग अब जाने वाले हैं, प्रसादी को रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर जो जिस साइड से हम लोग एंट्री लिए उस साइड भी दुकान है, लेकिन ये मंदिर के पीछे का है जहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं। बाकी आगे वाला एरिया भी खाली है, और ये लोग शायद यहीं के हैं, कंटिन्यू यहीं पर रहते हैं। बाकी जो लोग अलग से आते हैं वो लोग शायद सावन के महीने में, हम लोग गए थे तो देखे थे बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब भीड़ हम आपको बता दें 1000 से नीचे लोग यहाँ पर नहीं आते हैं सावन के महीने में। और यहाँ का एक खासियत आपको बता दें, अगर हम लोग अपना ध्यान ना रखें तो यहाँ इतना सारा बंदर है कि प्रसाद ही लेके भाग जाता है, पूजा धरा का धरा ही रह जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है माता रानी का मूर्ति, यहाँ पर मतलब मूर्ति नहीं वो बनाया गया, सिर बनाया गया है। और एक उधर साइड है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है ये, और एक राइट साइड है, वहाँ पर मूर्ति रखा गया है बजरंगबली का। ये मेन एंट्री है मंदिर में जाने के लिए। यहाँ पर एकदम अंधेरा हो गया, माता रानी का दर्शन नहीं हो पाया, अंदर चल के कराते हैं आपको। ये बहुत बाहर हम खड़े थे एंट्री, मतलब जो गेट है मेन गेट है उसे बहुत पीछे थे हम, इसी वजह से शायद धुंधला दिखा। यहाँ पर बजरंग बली का स्थापना हुआ है, तो यहाँ का एंट्री यहीं से होता है, अंदर से भी आया जा सकता है, वहाँ पर भी है दरवाज़ा जैसा। तो जितना बन पड़ा है उतना किए हैं। बंदर बहुत सारा यहाँ पर था, उन सबको हम लोग वो
फरुई बोलते हैं, उसको खरीद के खिलाए थे। और प्रसाद मतलब यहाँ पर जब पूजा हो रहा था तो मेरे जो बानोई थे वो पूजा कर रहे थे और डंडा लेके पूजा कर रहे थे। और वो बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हैं, हर मंगलवार या शनिवार के दिन पूजा करने के लिए कहीं भी मंदिर पर चले जाते हैं, उसके बाद अपने ड्यूटी पे जाते हैं। तो बाद में उनको ध्यान आया कि हम बजरंगबली का पूजा भी कर रहे हैं, डंडा लेके बंदर भी भगा रहे हैं। हम लोग हंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर हंसे थे सब लोग, चारों आदमी। तो यहाँ पर अब निकलने का टाइम हो गया है और हम लोग का साथ में पूजा हुआ, शायद बंदर वाला क्लिप पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये सब नया बना हुआ है, ये सब बहुत अभी हम लोग का शादी नहीं होता तो पूरा खाली खाली सा था। यहाँ पर लोग धूप में आके और अपना पूजा वगैरह करने के लिए बनाते थे। गाइस अभी अब हम लोग का एंट्री हो रहा है, अभी पूजा वगैरह नहीं हुआ है, तो हमारा प्रसादी यहाँ पर है और मेरी बहन पूड़ी वगैरह सब लेके आई हुई हैं, तो आगे जा रही हैं। और हम पूड़ी नहीं चढ़ाएं क्योंकि हम खरीद के बाकी सब सामान लेके गए थे। रेडीमेड भी यहाँ पर सामान मिलता है चढ़ाने के लिए। ये है माता रानी का दर्शन, आप लोग भी कर सकती हैं। ये इन्हीं का नाम है हधवा भवानी, जो रामपुर में पड़ता है, और एक पंडित जी यहाँ पर रहते हैं हमेशा के लिए। और बस यहाँ पर यही अच्छा लगता है कि धर पकड़ नहीं होता है कि आप रक्षा बांध लीजिए, आप ये खरीद लीजिए, आप वो खरीद लीजिए। सावन में थोड़ा सा होता है हल्का फुल्का, लेकिन अभी नहीं होता है। और जब यहाँ पर इतना छोटा मंदिर है, यहाँ पर इतना भीड़ होता है कि आदमी के ऊपर आदमी चढ़ के और पूजा करके ऊपर से जल ढार के चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं लोग उतना दूर से इत्मीनान से आते हैं और पास में आके इतना क्यों हड़बड़ हड़बड़ कर लेते हैं, नहीं समझ में आता है। यहाँ पर सब लोग बिजी लाइफ वाले लोग आ रहे हैं इतना मॉर्निंग में, बट जो लोग खाली हैं, जो लोग फर्स्ट बार शायद आ रहे होंगे, वो सर लेट से आ रहे होंगे यहाँ पर। आदर्श के पापा डंडा लेके बड़ा बड़ा बंदर यहाँ पर था तो उसके लिए डंडा लेना पड़ा। ये लोग छोटा लोग तो थोड़ा सा डर जा रहा था, लेकिन ये लोग भी डरा रहे थे सबको। तो जो डर जा रहा था उसका प्रसादी तो लेके ये चले जा रहे थे, लेकिन जो लोग नहीं डरता था उनका प्रसाद बच जाता था। तो यहाँ पर जो बबुनिया थी वो इतना रोई कि मतलब हम लोग परेशान हो गए, बंदर को देख के पूरा सांस वांस पकड़ ली थी। और वो बोल रही थी कि घर चलने के लिए। उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग आए यहाँ पर और उसी कढ़ाई में सब्ज़ी बनता है। आप कुछ भी सब्ज़ी बना सकती हैं, आलू परवल, आलू चना का ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन चना ये हल्का फुल्का फुला के लाई थी पूजा करने के लिए। बाकी ये मेमोरी बहुत अच्छा लगा, सब एक जैसा बच्चा, और ये जो बड़ी वाली है इसी का सब बच्चा है। तो अभी बच्चा बड़ा हो गया है इसी वजह से शायद वो उतना नहीं केयर कर रही है, तो ये लोग अपना खुद ख्याल रख रहा है। तो हम लोग बाद में शायद प्रसाद भी दिए, वो सब कैप्चर नहीं हुआ, जितना हुआ उतना हुआ है। और इसके बाद जब सब्ज़ी बन जाएगा हम लोग खाएंगे यहाँ पर। अब फ्री ये घूम